समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। आज पूर्वांचल में अखिलेश यादव की रैली होनी है, ताबड़तोड़ रैली करते हुए अखिलेश दिखाई देंगे। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर में अखिलेश मौजूद रहेंगे, उनकी जनसभा वहां पर होनी है। साथ ही साथ डिंपल यादव भी आज पूर्वांचल में प्रचार करेंगी। जया बच्चन के साथ जौनपुर में प्रचार करेंगी डिंपल यादव। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अलग अलग हिस्सों में समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े स्टार प्रचारक प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे। खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला है पूर्वांचल का, और बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर में उनकी रैली होनी है। और डिंपल यादव साथ में जया बच्चन जौनपुर में प्रचार करते हुए दोनों ही दिखाई देंगे। और जौनपुर से हमारे सहयोगी सनुज शर्मा जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। सनुज, सबसे पहले वहां की तस्वीरें दिखाइएगा। डिंपल और जया बच्चन वहां पर पहुंचने वाली हैं प्रचार के लिए, और जो लोग वहां पर मौजूद हैं आपके आसपास उनसे भी बातचीत कीजिए। देखिए, यूपी की सियासत में जौनपुर का एक बड़ा दखल रहता है, और आज तमाम बड़े नेता जौनपुर पहुंच रहे हैं। जया बच्चन भी हैं मछली शहर में, वो अपने प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से अपील करेंगी, मतदाताओं से मिलेंगी। और यहाँ जौनपुर की जो जनता है वो इस चुनाव को लेकर क्या सोचती है, क्या उन लोगों ने मन बना रखा, किसका विजय तिलक करने जा रही है, ये हम इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, देखिए जौनपुर का बड़ा दखल रहता है, आपको क्या लग रहा है, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप 7-5 को वोट करेंगे, और तमाम स्टार प्रचारक भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं? सर, पहला मुद्दा है विकास और दूसरा है सुरक्षा, और ये दोनों मेन मुद्दे हैं जिसको लेके हम लोग वोट करेंगे। और दोनों में ये योगी सरकार एकदम पूर्ण रूप से सफल है, और हम लोग उसी मुद्दे पे वोट करने वाले हैं, उसी मुद्दे पे वोट करेंगे। सर, इनकी बात सुनिए, आपने आपके मन की बात क्या, किसका विजय तिलक करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक विजय तिलक की बात है, तो हम लोग, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम लोग जाति धर्म बिरादरी से उठ के पार्टी से उठकर वोट करें, जो हमारे विकास की बात करे, जो व्यापारियों की सुरक्षा की बात करे, जो लोगों के हितों की बात करे, उस पर हम वोट करेंगे। दूसरी बात यह है, जैसे तमाम लोगों ने अभी कहा कि यहाँ पे गल्ला मिल गया, राशन मिल गया, लोगों को घर मिल गया, आप मुझे ये बताइए मिडिल क्लास किस लेवल में आता है? क्या हम लाइन लगा के गल्ला लेंगे? क्या हम जो है 2 लाख का आवास लेंगे? नहीं, हम व्यापारी हैं, मैं व्यापारी नेता हूं, इसलिए मुझे लगता है कि व्यापारियों के हितों की जहां बात हो वहां पे वोट करना चाहिए। यहां की जनता को सब चीज़ों से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा, और जब तक नहीं सोचेंगे तब तक यहां का विकास नहीं हो पाएगा, विकास नहीं होगा। कुछ और लोग हैं, देखिए दो लोगों की बात सुनी, कुछ और मतदाता है। सर, आप बता दीजिए, लोगों की आपने बात सुनी है, और जौनपुर की मैं बात करूँ, उस पर जौनपुर सदर विधानसभा पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ। यहाँ से गिरीश चंद आपके विधायक हैं यहाँ पर, और तमाम पार्टियों ने भी और अपने प्रत्याशी उतार रखे हैं। आपको क्या लग रहा है, यहाँ का जो सियासी गणित है उसको कितना समझ पा रहे हैं? हम तो समझ रहे हैं, व्यापारियों की सरकार और व्यापारियों की पार्टी बीजेपी थी, लेकिन व्यापारियों के लिए क्या किया उन्होंने 4 साल 5 साल में? व्यापारियों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। व्यापारी आज परेशान है, मिडिल परेशान है, क्यों? व्यापारियों की सोच के पीछे, भाई हम लोग 3-3 महीने 4-4 महीने बिजली का बिल भरे दुकानें बंद करके, कहाँ से व्यापारी पनपेगा? कहाँ से पनपेगा? तो सर ये बता दीजिए, गिरीश चंद है बीजेपी से है, समाजवादी पार्टी से अरशद खान है, बीजेपी का है, और लेकिन बीएसपी से सर, लेकिन व्यापारियों के बारे में बीजेपी की सरकार होते हुए क्या सोचा? कहां सोचा? सर आप बता दीजिए, आप क्या सोच रहे हैं? तमाम लोगों की बात देखिए, हमने पिछले 5 साल पहले जो विकास और व्यवसाय और व्यापार की बात करके सरकार आई थी, आज आप बताइए, भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मुद्दा पिछले विधानसभा चुनाव में था, आज के देश में भ्रष्टाचार चरम पर है, ना तो पुलिस आपकी सुनती है, ना तो प्रशासन आपका सुनता है, जहाँ जाइए बिना पैसा दिए एक भी काम आपका नहीं होगा, भ्रष्टाचार चरम पर है, और ये सरकार इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूरी तरह से विफल है। किसी तरह का कोई भी ऑफिस, कोई भी कार्यालय बिना घूस दिए, बिना पैसा दिए एक भी काम आपका नहीं होगा। नहीं काम होता है। सर सुन लीजिए, आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत विकास हुआ, बहुत काम हुआ, लेकिन उनके आरोप सुन लीजिए कि भ्रष्टाचार चरम पर है, काम ही कुछ नहीं हुआ। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। पहली तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार तो कोई भी नहीं हो सकती है आज के डेट में। फिर भी जो अभी तक जो सरकारें रही है उनसे बहुत ही अच्छी स्थिति वर्तमान में रही है। हम उसकी लेके बात करें, आगे भी हमें आशा है कि और भी अच्छी होगी,
ये सरकार आएगी तो और अच्छा करेगी। सर आपसे मेरा सवाल है, देखिए मल्हनी विधानसभा सीट है, सबसे हॉट सीट है, सबकी नजरें टिकी हैं, बाहुबली है धनंजय सिंह वो वहाँ से चुनाव मैदान में है और पारस यादव के बेटे हैं यहाँ से वो चुनाव मैदान में, तमाम नेता आपको क्या लग रहा है वहाँ की अगर करें सबकी नजरें मल्हनी से मुझे लग रहा है वहाँ का जो हवा चला, हाला मैं उस क्षेत्र में नहीं हूँ लेकिन जो हवा सिंह भी है जी केपी सिंह का तो कोई हवा नहीं, लेकिन वहाँ पे जो दो लड़ाई है धनंजय सिंह और जो है लकी यादव में, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि धनंजय सिंह वहाँ से जीत रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो गरीबों की सेवा है लोग बहुत करते हैं, लोग वहाँ के से हम लोग के व्यापारी हैं, वहाँ से कस्टमर लोग आते हैं बताते हैं यही जो है जी जी सनोज, और ये लोगों के मुद्दे हैं जो व्यापारी हैं जो आम लोग हैं युवा हैं उनके मसले क्या है वो आपने बता दिए। आप इन्हीं मसलों पर बातचीत करते हुए तमाम अलग अलग सियासी दलों के दिग्गज मंच से दिखाई देंगे और इसका जिक्र जरूर करेंगे, लेकिन वोटर्स का मन बन चुका है ये साफ तौर से नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सनोज, पूरी जानकारी के लिए वहां लोगों से बातचीत करने के लिए भी।